हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल सिमरन की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना लहसुन प्याज के शाही पनीर की रेसिपी। आज ये शाही पनीर मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से, यानी कि जो हमारे घर पे इंग्रेडिएंट्स है उन्हीं से बनाना बताऊंगी। और सिंपल और इजी तरीके से बना हुआ ये शाही पनीर भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो आप एक बार रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। आप अपने पसंद के कोई भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। ये पनीर मैंने घर पर ही तैयार किया है। इधर मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया था। 3-4 टुकड़े मैंने यहाँ पर अदरक के लिए, 2 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 8-10 मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं और 4-5 लिए हैं बादाम। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ में दिखाती रहूँगी। अब सबसे पहले मैंने गैस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, काजू बादाम ये डाल देंगे और इनको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इनको हम कवर कर देंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक इन्हें हम पकाएंगे। बीच में एक बार इनको हम खोल कर इस तरह से थोड़ा सा मिला देंगे और टमाटर को इस तरह से मैश करते हुए थोड़ा सा हम अच्छे से चला देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको फिर से कवर कर देंगे और पका लेंगे। और ये देखिए, ये टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनकी हम प्यूरी तैयार करेंगे। टमाटर ठंडा होने के बाद इनको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। अब ढक्कन लगाएंगे और इनकी हम बिल्कुल एकदम स्मूथ प्यूरी तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखिए, ये हमने प्यूरी तैयार कर ली है। बिल्कुल इस तरह से हमने स्मूथ प्यूरी तैयार करनी है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इधर मैंने गैस पर वही सेम कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। आप घी की जगह यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी और बटर से शाही पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ खड़े मसाले, तो जिसमें मैंने लिए लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। आपके पास जो भी खड़े मसाले हो आप वे डाल सकते हैं। इनको हम थोड़ी सी देर के लिए चलाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों को पहले तेल में डालने से ग्रेवी में इनका बहुत ही बढ़िया कलर आता है। जब हम ये दोनों चीज़ें तेल में डालें तो गैस की फ्लेम आप यहाँ पर लो रखें, नहीं तो ये दोनों जलने लगेंगे और फिर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इनको हम थोड़ी सी देर चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें हम अपनी तैयार की हुई प्यूरी डालेंगे। ये कढ़ाई में मैंने प्यूरी को डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम कंटिन्यू स्टीर करते हुए पकाएंगे। जब तक इससे तेल अलग ना होने लगे तब तक इसे हमें पकाना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है। और ये देखिए, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इससे तेल भी अलग होने लगा है और इसका कलर भी देखिए एकदम पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। बिल्कुल एकदम इसका कलर रेड हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2-3 चम्मच के करीब ताज़ा मलाई। मलाई के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच दही। इन दोनों चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और लगभग इनको हम कंटिन्यू स्टीर करते हुए मीडियम फ्लेम पर लगभग 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि दही और मलाई का कच्चापन दूर हो जाए। और लगभग 2-3 मिनट पकाने के बाद ये देखिए, मलाई और दही हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और जो मलाई में घी था वो बिल्कुल हमारा ऊपर तैरने लगा है। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ही लिया है, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत हमारी प्यूरी लगी हुई वो हमारी वेस्ट न जाए। इसको एक बार हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके इस ग्रेवी को हम 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगभग 3-4 मिनट पकाने के बाद ये हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक बार इसको अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से शाही पनीर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ में मैं थोड़े से सूखा हरा धनिया डाल रही हूँ, इसको भी हम क्रश करके डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इन दोनों को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, पनीर को ग्रेवी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिला दें। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम एक मिनट के लिए पका लेंगे। पनीर डालने के बाद आप सब्जी को ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो पनीर हमारा चिपिंगी सा नज़र आने लगेगा। और लगभग एक मिनट तक मैंने ये सब्जी को पका लिया है। एक बार इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें मैं लास्ट में डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब गरम मसाला, इसको भी हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हम फिर से कवर करेंगे और एक मिनट के लिए इसे और पका लेंगे, ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर सब्जी में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और लगभग एक मिनट पकाने के बाद ये हमारी शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका कलर टेक्सचर आप देखिए कितना बढ़िया आया है। और जो हमारी ग्रेवी भी है वो भी देखिए कितनी एकदम स्मूथ और एकदम कितनी क्रीमी बनी है। जो रेस्टोरेंट्स में शाही पनीर होता है ना, बिल्कुल उस जैसे ही हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ ग्रेवी वाला हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, सच में देखते ही भूख लग रही है। और इस शाही पनीर को बनाने में हमने ज़्यादा मसाले या ज़्यादा हमने बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी यूज नहीं की, जो हमारे घर पे इंग्रेडिएंट्स थे वही हमने यूज करके ये शाही पनीर बनाया है। और बिना लहसुन प्याज के बना हुआ भी ये शाही पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये लीजिए, ये हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, नान के साथ कैसे भी खाएं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इसे घर पर दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।